दोस्तों आज हम बात करने वाले Redmi की Note 8 और Note 8 Pro के बारे में। जी हाँ दोस्तों, Xiaomi ने जब से अपनी Note सीरीज ये लॉन्च करी थी तब से ये काफ़ी सुर्खियों में रहा था और एकदम कमाल की ये लोग फ़ोन बनाते हैं और बहुत ही कम प्राइस में ये बेच पाते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि Redmi Note 8 और 8 Pro के बारे में क्या स्पेसिफिकेशन रहने वाली है और कितनी आपकी ये जेब ढीली करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं वीर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस फ्रेश कमाल एपिसोड के अंदर जिसका नाम है टेक्निकल थर्सडे। आप देख रहे हैं टेक्निकल गॉसिप। चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं Redmi Note 8 और 8 Pro के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक इस फोन के 1 मिलियन के ऊपर रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और Xiaomi ने ये खुद कन्फर्म किया है। जी दोस्तों, Xiaomi ने कन्फर्म कर दिया है कि इस फोन के अंदर 4-4 आंखें होंगी और यहाँ मेरा आंखों से मतलब है कैमरा। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों ही फोन क्वाड कैमरा सेटअप वाले फोन होंगे और जिसका जो बेस वेरियंट है Redmi Note 8 उसके अंदर 14 मेगापिक्सल का कैमरा होगा और जो उसका प्रो वर्जन है जो कि Redmi Note 8 उसके अंदर आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे जो Xiaomi की तरफ से जो 4 कैमरास आपको देखने को मिलेंगे उसके अंदर से एक रहेगा आपका अल्ट्रा वाइड एंगल, दूसरा रहेगा आपका टेलीफोटो, तीसरा रहेगा आपका मैक्रो लेंस और चौथा आपका जो मेन सेंसर है वो। मतलब DSLR वाले तो साला मुंह देख के खड़े रहते होंगे, मतलब सारी टेक्नोलॉजी भैया तुम्हारे पास ही है, हम तो ऐसे ही नल्ले बैठे हैं, हमारे तो R&D टीम कुछ काम करती नहीं है, सारी R&D की जो काम करने वाली जो टीमें हैं वो सारी तुम्हारे पास ही हैं, जो बढ़िया इंजीनियर्स हैं वो तुम्हारे पास ही हैं। यार वो भी यार DSLR वाले भी सोचते होंगे कि यार ये ज़रूर कोई ना कोई सस्ता नशा करते होंगे या चाइनीज़ माल फूकते होंगे। और वैसे खैर कंपनी चाइना की है तो वो चाइनीज ही माल फूकेंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं फोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में। जहां जो आपका जो बेस वेरिएंट है उसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 665 के साथ 25x जूम आपको देखने को मिलेगा। यहां पे भी DSLR वाले सोचते होंगे कि सारा जूम और सारी टेक्नोलॉजी तुम्हारे पास ही है, मतलब दुनिया ने सारी मेहरबानी तुम्हारे ऊपर ही कर रखी है, हम तो ऐसे ही नल्ले हैं, ना हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी है। जी दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ आपका ऑप्टिकल जूम नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक जूम है जो कि कोई खास मायने रखता नहीं है। हाँ ठीक है, कभी कभार यूज आ जाता है लेकिन जैसे ही आप उसको जूम करते रहेंगे आपकी इमेज पिक्सलेट हो जाएगी। पिक्सलेट क्या होता है यहाँ अभी आप देख पा रहे होंगे। भाइयों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे हमें फॉलो कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और ट्विटर पे भी फॉलो कर लीजिए। इनके सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे क्योंकि वहां पे मैं समय समय पर गिवअवेज लाता रहता हूं और कुछ एकदम मसाला वगैरह वहां पोस्ट करता रहता हूं। और हाँ, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज लाइक करके जाइए और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक जरूर कीजिएगा, लेकिन कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो क्यों नहीं पसंद आया। अब बात कर लेते हैं प्रो वर्जन की। उसके अंदर आपको मीडियाटेक का हीलियो G90T देखने को मिल सकता है और इसकी जो बैटरी है 4500 mAh, मतलब पूरा का पूरा पावर बैकअप इन्होंने भर रखा है। मतलब पास में कहीं माता का अगर जगराता हो और गलती से लाइट चल जाए ना तो पूरे DJ का लोड ही उठा लेगा। सीरियसली कह रहा हूँ, मतलब करके देख लेना जब आपके पास ये फ़ोन आता है। मतलब हाइप तो उन्होंने ऐसे क्रिएट कर रखी है कि हाईएस्ट बैटरी कैपेसिटी इन द सीरीज। क्यों यार, अभी 4000 तो थी पहले ही, 500 mAh तो बढ़ाई है आपने और लोगों को कौन सा पता नहीं है कि 500 mAh बढ़ाने से कितना फर्क पड़ता है। और इसमें भी सेम वही 25x जूम देखने को मिलेगा, मतलब एकदम एक ईंट फेंक के मारी है DSLR वाले, मतलब तुम तो कुछ हो ही नहीं, तुम तो ऐसे ही बैठे रहो भैया। और हाँ दोस्तों, लास्टली ये लोग फास्ट चार्जिंग देना नहीं भूले, इन्होंने अच्छा काम किया, मतलब काबिल तारीफ। जो काम अच्छा करती है कंपनी उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ और जो भूल जाती है या फिर वो कंजूसी करती है वो मैं जरूर जरूर उनको क्रिटिसाइज करता हूँ। दोस्तों अगर आप अभी फोन लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, अभी आने वाले टाइम में आपको अच्छे फोन लॉन्चेस देखने को मिल सकते हैं। इनमें से दोनों फोन आप ट्राई कर सकते हैं, हालांकि दोनों की जो टेंटेटिव प्राइसेस हैं 20,000 के आसपास एक फोन रहेगा बेस वेरिएंट और 25-26,000 के आसपास रहेगा आपका प्रो वेरिएंट। हालांकि थोड़ा सा प्रो वेरिएंट महंगा है लेकिन स्टिल चलेगा। और दूसरी बात, आपको UI के अंदर ऐड देखने को मिलेंगे क्योंकि Xiaomi का जो MIUI है वो ऐड दिखाता है, मुझे पर्सनली वो बिल्कुल पसंद नहीं है, आई हेट दैट। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को जरूर बताना कि इनमें से आपको कौन सा फोन पसंद आया, Redmi Note 8 या 8 Pro। अगर आपको लगता है कि इसकी प्राइसिंग ज्यादा है तो वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप ये वीडियो मेरे YouTube चैनल के ऊपर देख रहे हैं तो आप मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं या फिर ट्विटर पे देख रहे हैं तो आप मेरे को फॉलो कर लीजिए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में जिसका नाम है ट्यूजडे टॉक्स। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।